वैसे पदाधिकारी को कभी भी यहाँ नहीं रहना चाहिए जो डिस्ट्रक्टिव काम करता हो और सरकार के और सदन के अवमानना करता हो। एकदम रिकॉर्ड टूटेगा, पिछला जितना भी रिकॉर्ड है वो सब टूटेगा और ऐतिहासिक रैली होगी। सब लोगों की अपनी अपनी तैयारियां चल रही हैं, उसकी आप फिक्र नहीं करें। यह बात तो 3 तारीख की शाम को ही शुरू हो गई। दोपहर में साथ में खाना खा रहे थे और चले गए, तो दिल चीर के किसी ने देखा है क्या? गद्दारों का एक अलग कैरेक्टर होता है। मैं उनको बधाई देता हूँ और स्वस्थ रहने की कामना करता हूं, और मैं सलाह देता हूं कि गलत लोगों के संगत में ना रहे। लेकिन अब इंतजार कीजिए, हम लोग जो कहें उसका होगा। निकल गए क्या ये आदेश समान है? ये हमारे लिए खुशी और दुखित की बात नहीं है। वैसे पदाधिकारी को कभी भी यहां नहीं रहना चाहिए जो डिस्ट्रक्टिव काम करता हो और सरकार के और सदन के अवमानना करता हो। उनकी बात नहीं मानता, वैसे अफसर को बिहार में नहीं रखना चाहिए। रैली में रिकॉर्ड टूटेगा? एकदम रिकॉर्ड टूटेगा, पिछला जितना भी रिकॉर्ड है वो सब टूटेगा और ऐतिहासिक रैली होगी। हम समझते हैं एक गांधी मैदान है, कई गांधी मैदान जैसा भी रहेगा, वो भर जाएगा। अब सवाल है, अब उनके पास बचा क्या है? हॉर्स ट्रेडिंग के अलावा उनके पास कुछ बचा नहीं है, इसलिए हॉर्स ट्रेडिंग करते रहे। आने वाला समय जो चुनाव आएगा वो हम लोग के पक्ष में। अखिलेश यादव भी आएंगे इस रैली में? हमारे नेता सबको बुलाए हैं, महागठबंधन के नेताओं को बुलाए हैं, सब लोग शिरकत करेगा। नीतीश कुमार क्या जन्मदिन है? मैं उनको बधाई देता हूं और स्वस्थ रहने की कामना करता हूं, और मैं सलाह देता हूं कि गलत लोगों के संगत में न रहें। असल वो ये हमको ये लगता है कि लाठी भी ना टूटे सांप भी मर जाए, तो इस तरह की बात हो सकती है। लेकिन सामान्य प्रक्रिया में जो बिहार के ऑफिसर्स आईएएस ऑफिसर्स हैं, ये ऑल इंडिया कैडर होता है, तो इनके जाने का क्रम भी होता है सामान्य प्रक्रिया में, चूँकि मैं तथ्यों को रखना चाहता हूं। लेकिन इस मामले में तो बहुत ही साफ चीज़ें नज़र आ रही। विधान परिषद में विधानसभा से ज़्यादा भारतीय जनता पार्टी हो, जनता दल यू हो और तमाम विपक्ष एक साथ है इस मामले को टाइमिंग को लेकर के। और कल आपने देखा कि सरकार अपना ही मजाक किस तरह से उड़ा रही है। भारतीय जनता पार्टी की तरफ से जो उसके उप मुख्यमंत्री हैं माननीय सम्राट चौधरी जी ने खुद उठ के कहा कि 12:30 बजे कल ही 12:30 बजे मुख्यमंत्री जी के साथ बातचीत होनी है और ये मामला तय हो जाएगा। तो मैं जिस बात को कह करके अपनी बात को मजबूती के साथ रख रहा हूँ कि ये दोनों के अंदर काफ़ी सरफटोल है। कैबिनेट के विस्तार को आप देख लीजिए, यह बेमेल जोड़ी इन्होंने बनाई है न जाने किस दबाव में, और ये बहुत ज़्यादा दिन चलने वाले लोग हैं नहीं। एक सवाल है, 3 तारीख को क्या राहुल गांधी आ रहे हैं महागठबंधन की रैली? हाँ बिल्कुल आ रहे हैं वो और खड़गे जी, कल क्लियर है। कल बिहार में पीएम मोदी रहेंगे, परसों राहुल गांधी रहेंगे, किस तरीके से देखते हैं दोनों रैलियों को? हमारी रैली तो जनता के महत्वाकांक्षाओं की रैली है। हमारी रैली तो झूठे वादे जो भारतीय जनता पार्टी और भारत सरकार ने किया है उसको आश्कार करने की रैली है। जो झूठे वादे जुमलेबाजों के सरकार के ख़िलाफ़ जो जनता का आह्वान है, और जनता आएगी बड़े पैमाने पर, वो जनता जो गरीब है, पिछड़ा है, अति पिछड़ा है, दलित है, वो सब आएगी। इनके यहाँ तो पैसों का भरमार हो चुका आजकल। तो सवाल है, महागठबंधन की रैली है 3 तारीख को, लेकिन उससे ठीक पहले महागठबंधन के जो विधायक है वो बीजेपी में शामिल हो गए हैं, तो कितना असर पड़ेगा रैली? कोई असर नहीं पड़ेगा। आपको इस बात का तो अंदाज़ा होगा ही कि पूरे बिहार में तेजस्वी यादव की रैली चल रही है, और पूरे बिहार में हम लोगों की माले की जो गठबंधन के तमाम सहयोगी दल हैं, हम सब लोगों की अपनी अपनी तैयारियां चल रही हैं, उसकी आप फिक्र नहीं करें। यह बात तो 3 तारीख की शाम को ही शुरू हो जाएगी। कांग्रेस इंटैक्ट है? कोई जगह नहीं बचेगी। कांग्रेस इंटैक्ट है शकील साहब? हाँ बिल्कुल, इसमें क्या शक है। आगे आपके कोई विधायक नहीं जा रहे हैं? अब कयास आराइयों पर मैं फिर अब कोई सवाल जवाब नहीं करना चाहता। कयास लगाने वाले कयास लगाते रहे। कांग्रेस विधायक दल के नेता, आपको जानकारी नहीं कि आपके विधायक? सवाल जानकारी तो उस दिन भी थी, क्योंकि दोपहर में साथ में खाना खा रहे थे और चले गए, तो दिल चीर के किसी ने देखा है क्या? गद्दारों का एक अलग कैरेक्टर होता है। पनोरमा ग्रुप, जो सोचता है वो करता है। ये लो मुंह मीठा करो, आज मैंने अपना जॉब छोड़ दिया, अब हम पूर्णिया वापस जाएंगे। जॉब छोड़ दिया है मतलब? ये घर कैसे चलेगा, हम करेंगे क्या और माँ बाबू जी क्या बोलेंगे? इसलिए मैं एक और मिठाई का डब्बा लाया, अपने बिजनेस के लिए लोन अप्रूव हो गया।
अरे लोन अप्रूव हो गया वो तो ठीक है, लेकिन पूर्णिया में हम रहेंगे कहाँ? अपना घर भी तो नहीं है वहाँ। इसलिए तो एक और मिठाई का डब्बा अलग से लाया हूँ। हमने पूर्णिया में घर ले लिया, पूर्णिया के ई होम्स पैनोरमा में। पूर्णिया में पैनोरमा ग्रुप लेकर आए हैं ई होम्स पैनोरमा, बड़ा घर, आलीशान जिंदगी और अत्याधुनिक सुविधाओं के साथ। अरे अरे, अब क्यों मुंह मीठा करवा रही हो? क्योंकि हम घर वापसी जो कर रहे हैं। घर वापसी की खुशी, पूर्णिया में ई होम्स पैनोरमा के संग। ई होम्स पैनोरमा, लग्जूरियस लाइफस्टाइल रीडिफाइंड।